यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा में उच्चतर शिक्षा विभाग ने दाखिले में गड़बड़ी से बचने के लिए एक नया फैसला लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का एडमिशन से पहले वेरिफिकेशन किए जाने का फैसला लिया है। फैसले के बाद दस्तावेज जोखिम वेरिफिकेशन के बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 22 जून तक दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही 24 और 25 जून को विभाग की ओर से पहली बार प्रोविजन मेरिट सूची जारी की जाएगी। विद्यार्थियों को 26 से 28 जून तक अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन करवाने के लिए 10वीं 12वीं के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र के साथ साथ कई दस्तावेज शामिल किए जाएंगे। साथ ही विभाग ने वेरिफिकेशन के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो हमारे सीट्स हैं उससे डबल सीट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वो 25 को डालेंगे। 26, 27, 28 में हमने टीम्स बना दी हैं अपने कॉलेज में हर क्लास के लिए। फर्स्ट ईयर क्लास है इसलिए हमने काफ़ी मेंबर्स रखे हैं, लगभग 10-10 मेंबर्स हैं, उनके लिए जगह अलॉट कर दी गई है। बच्चों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, बच्चे अपने सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के लिए आएंगे।